तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर के एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत्य की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मान करके प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याण में गति को पाती है। सावित्री, लोपा मुद्रा, अरंधति, शांडिली, शत्रुपान, सुया, लक्ष्मी, सधा, सती, संज्ञा, समति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहां विस्तार भेद से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पातिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं है, ये निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवी, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए, वह छल कपट छोड़ करके सदा उनके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवी, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित ना हो ले, तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख नहीं आए। यदि पति किसी कार्य से परदेश गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम नहीं ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात नहीं कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़ करके तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ करके प्रेम से मस्तक झुका करके बोले, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश दे करके अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी नहीं रहे, दूसरे के घर नहीं जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित नहीं करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी नहीं जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूसरे दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो, उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और श्रेष्ठ हैं। सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मान करके ग्रहण करे और पति को कुछ दे। उसे महाप्रसाद मान करके श्रोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन नहीं करें। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे।
पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि नहीं करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरक गामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि नहीं उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन नहीं करे। अपवित्र अवस्था होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह नहीं दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में नहीं पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि नहीं देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी रोली सिंदूर काजल आदि चोली पान मांगलिका भूषण आदि केशों का सवारना चोटी कूथना तथा हाथ कान के आभूषण इन सब को अपने शरीर से दूर ना करें। धोबन छिनाल या कुल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों की वह कभी अपनी सखी ना बनावे। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर नहीं करे। कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी नग्न होकर कहीं नहीं नहाए। सती स्त्री ओखली मूसल झाड़ू सिल जात और द्वार के चौखट के नीचे वाले लकड़ी पर कभी नहीं बैठे। पति के संग मैथुन काल के सिवा और किसी समय में मैं पति के सामने धृष्टता नहीं करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रीतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्य आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार नहीं आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से ऐसा ये ना कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। मैं पति को कष्ट या चिंता में नहीं डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर नहीं बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट नहीं जाए और पति से कभी कातर वचन नहीं बोले। किसी की निंदा नहीं करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर से बोले और ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रीतम के खेद को दूर करने वाले अन्याय उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोकों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता भाई और पुत्र परमित सुख देते हैं परंतु पति असीम सुख देता है। अतः
नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता हैं, पति ही गुरु हैं और पति ही धर्म तीर्थ एवं व्रत हैं। इसलिए सब को छोड़ करके एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग करके एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्ली की होती है। जो प्राय पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती है, वह अचातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़ करके अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सूरी होती है अथवा बकरी होकर के अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कह करके बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सोच से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचा करके किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी टिड्डे मुंह वाली तथा कृपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पति हीना नारी भरी भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्री रहती। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों को तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहां जहां पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहां वहां की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वासुदेव, वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लामान्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षी। जैसे गंगा स्नान करने से शीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है तथा विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल शिवे। सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान होकर आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से चार प्रकार की बताई जाती हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निष्कृष्टा और अति निष्कृष्टा, ये पतिव्रता के चार भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर के सुनो। बद्रे,
जिनका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई। शैल जी, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पाती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निष्कृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निष्कृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जान करके तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय लेकर के मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर के वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका करके चुप होगी। इस उपदेश को सुनकर के शंकर प्रिया पार्थी देवी को बड़ा हर्ष हुआ। अध्याय 54 पूर्ण।